ये देखिए गाइस, वो टॉयसी कैसा खेलती है कि देखिए, अभी पिक करती है, छोड़ती है, अभी तक तो बहुत ही अच्छा खेला है गाइस। अरे देखिए अभी भी उठा रही है, मैं करीब जाता हूँ तो ये बिल्कुल दूर भाग जाती है गाइस। ये तो फीमेल है गाइस, बहुत ही फ्रेंडली है ये, लेकिन ले आके पानी में डाली। देखिए गाइस, ये पानी में तो दाने में तो डाल जाते हैं गाइस। अभी दाने का बॉक्स मैं अभी निकाल चुका हूँ, दाने चेंज कर रहा हूँ गाइस। ये गैप में ऐसा ही खेलते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा खेलते हैं। अभी वो फिंचस का चेक करना है गाइस, वो दूसरा अंडा दी कि नहीं कि वो पहला अंडा दे के 2 से 3 दिन हो चुका है गाइस, अभी तक दूसरा अंडा नहीं दिया गाइस। हमारी ऐसी राजी देखिए गाइस यहाँ पर जाके बैठे हैं, मैं इनको भी दाने डाल दिया हूँ गाइस, बुला लिया हूँ, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं बताया गाइस अभी तक। इनको पानी भी डाल देंगे गाइस, पानी भी ख़त्म हो चुके हैं। इससे पहले हाँ, पहले में 2 ट्रे रहते थे गाइस, एक दाने का और पानी का, वो दो भी अब किधर चल गए हैं कि गायब हो चुके हैं गाइस। ये घर बनते समय टाइम में उतना ध्यान नहीं रहा, वो ऐसा चल गए गाइस। अब नए से सेट कर देना है फिर को, देखेंगे गाइस दो अच्छे एक दाने के लिए पानी के लिए यहाँ पर अच्छे तरह से फिक्स कर देंगे गाइस। वो देखिए ये फिर को अंडे डालने में, अंडे देने में आ गए गाइस, लेकिन ये केज में तो नहीं जाती है, केज के ऊपर देखिए कितना सांद है ना, ये सांद में अंडे डालने की कोशिश करते हैं गाइस। वह थिनके वगैरह जोड़ते हैं, लेकिन मुझे प्रॉपर से एक बार इसमें ही चाहिए गाइस, नहीं है तो फिर से इनको इनके फर्रों को मैं बांध देता हूँ। ये बार फिक्स हो चुका हूँ गाइस, इनका ब्रीड अच्छी तरह से लेना है, नहीं है तो इनको हटा दे के दूसरे तो लाना है गाइस। शौक तो थोड़े बहुत बढ़ाना है गाइस, ये पैर से हमारा शौक आगे नहीं पड़ता है। इन ब्रीडिंग का मसला है कि कोई कोई ना कोई मसला है गाइस, इसलिए इसके बच्चे नहीं बच पाते हैं। थोड़े बहुत बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई हादसा हो जाता है गाइस। ये लोबर देखिए कितना शोर मचाते हैं कि देखिए गाइस, अभी करीब गए तो उसे भाग जाते हैं कॉर्नर को। इसे थोड़ा बहुत बड़ा केज देना है गाइस इनको, लेकिन हमारा बड़ा केज अभी तक मिला नहीं है। देखेंगे गाइस हल्का करके बड़ा केज ला लेंगे। दोस्तों हमारी मुर्गी अंडा देने के लिए आ चुकी है, ये देखिए ये सब हिट के आवाज़ें करती है, अंडे देने के बाद बहुत ज़्यादा शोर मचाती है गाइस। उसके बाद में हमें इसको छोड़ देते हैं, जल्दी से चल जाती है, थोड़े बहुत दाने डाल देते हैं। थोड़ा छोटा फंक्शन है गाइस, ये सभी मसाले वगैरह काम चालू है गाइस, अभी घर में तो यही काम में बिजी है सभी भी। देखिए दोस्तों आज का नया अंडा है गाइस, ये 3 मांडा, पहला अंडा कितना है कि उतना ही है गाइस, 2 मांडा तो थोड़ा बहुत बड़ा है, ये अभी छोटा है गाइस। ये सभी भी अनफर्टाइल के अंडे है गाइस, ये मुर्गे के बगैर अंडा देती है ना, ये सभी भी अनफर्टाइल ही होते हैं गाइस। बहुत सारे लोगों के साथ मालूम आदमी मैं कर लिया हूँ, लेकिन ये अंडे कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, ये मुर्गे का तलाश में है गाइस। मुर्गे तो है लेकिन छोटे बच्चे मिल रहे हैं गाइस, इसको प्रॉपर का हमारे मुर्गी का साइज़ का मुर्गा नहीं मिल रहा है गाइस। ये देखिए ये पल्ले ले आके हमें हमारे बर्ड्स को डाल देंगे, ये आपको पता है ना गाइस, ये तो इनको कुछ ये पके नहीं है गाइस, अभी कच्चे ही है, ये अभी कच्चे ही है गाइस, लेके डाल देंगे, वो भी थोड़ा बहुत मुंह मार लेते हैं गाइस। गाइस ये कच्चे खजूर है गाइस, मैं ही थोड़ा बहुत टेस्ट कर लिया हूँ, बहुत ही अच्छा है गाइस। ये तो यह मेरे बर्ड्स को नहीं है, ये मैं ही खाने वाला हूँ गाइस अभी। देखिए गाइस आज हम अगर मैं फंक्शन चला है ना, उसके लिए एक गिफ्ट आ चुका है गाइस। ये देखिए इसे अनबॉक्स करके आपको मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ, थोड़े बहुत हैवी ज़्यादा गिफ्ट आए गाइस। वो क्या क्या है कि ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिए है, वो सभी भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये वाटरफॉल्स है, एक स्टोन आता है गाइस, ये रोटेट होता रहता है, इसमें से लाइटिंग वगैरह भी अच्छे से प्रॉपर से आ जाते हैं गाइस। ये भी ऑन करके पानी डाल के इसमें ऑन कर लेता हूँ एक बार ही अच्छी तरह से, वो भी बता देता हूँ। देखिए गाइस ये देखिए दोस्तों पहला वो मोटर में से पानी इसमें आ जाते हैं गाइस, इसमें से ये बॉल के ऊपर पड़ता है, ये बॉल को नीचे से लाइटिंग है गाइस, और ये रोटेट भी होता है नीचे से और ऊपर से पानी से लगते हैं गाइस, इसलिए इतना ज़ोर से ये रोटेट होता है। उसके बाद में हाथ से आके बाद में ये व्हील को भी अच्छी तरह से घुमाते हैं, ये तो इसमें से भी पानी नीचे पड़ के फिर को वो नीचे का बॉर्डर को उसमें चल जाते हैं गाइस, उसमें से फिर को ऊपर को आ जाते हैं गाइस। बहुत ही सिस्टम ज़बरदस्त है गाइस, थोड़ा बहुत कास्ट पड़ा है गाइस, लेकिन हमें घर में इसलिए रखना चाहिए कि इसका वाटर का आवाज़ हमें को अच्छी तरह हम आपको सुनता है तो पीसफुल से रहेगा गाइस, इसलिए
ये ज़्यादा डिमांड में है गाइस। ये देखिए गाइस, ये लाइट्स पे भी निकालने के बाद इसका लुक देखिए, ऐसा रोटेट होता है गाइस ये।